स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सरनाइक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ऐसे ही न्यूज आप सभी के लिए मैं अपलोड करते रहूंगा। जैसे हम सभी जानते हैं, आप सभी को पता ही होगा, S7 की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, S7 का प्रिपरेशन चल रहा है। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज है और मुझको कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पोर्शन यानी सिलेबस कौन से मंथ तक आएगा। S7 का जो सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम्स है December 2nd से, या हो सकते हैं December 14th से भी हो सकते हैं, अब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी फिल वक्त के लिए 2nd से डेट हम कह रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिकल, एक न्यूज भी आया था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि 14 तो हो जाएंगे, लेकिन अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। अपडेट आते ही मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, लेकिन अभी के लिए 2nd दिसंबर से एग्जाम्स है। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम पोर्शन, हमारा सिलेबस अक्टूबर तक पढ़ने चाहिए या हम नवंबर तक पढ़ने चाहिए। तो आप देख सकते हैं SCERT की तरफ से, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से एक आर्टिकल रिलीज किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि टेक्स्ट बुक में, इंडेक्स में जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस में ऐसे एग्जाम्स होंगे और सिलेबस अक्टूबर मंथ तक ही रहेगा S7 के लिए। क्योंकि हम जानते हैं नवंबर पूरा महीना हम लोगों का वर्क कर रहा है, लेकिन नवंबर का पोर्शन इसके अंदर S7 के अंदर नहीं दिया जाएगा। इस तरह ये प्रेस नोट में रिलीज कर दिया गया है और ये आर्टिकल में दिया गया है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स, आप सभी अक्टूबर एंडिंग तक जितना भी आपका सिलेबस इंडेक्स में दिया गया है उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो रिड्यूसिंग सिलेबस है, जो 30% रिड्यूसिंग सिलेबस है, जो एक्टिविटी सिलेबस है या आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए हैं, वो सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन इस S7 में नहीं पूछेंगे। जो 70% सिलेबस है उसी के अंदर से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इस तरह भी कहा है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट रिलैक्स हो जाइए, अक्टूबर के लिए अक्टूबर का सिलेबस तक आप पढ़िए और जो 70% पोर्शन है उसी के अंदर से तैयारी कीजिए, उसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक अपडेट था, कई स्टूडेंट मुझको कमेंट के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए ये आप लोगों को मैं अपडेट दे रहा हूँ। अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर ये न्यूज अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।